नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सदिश बीजगणित, जिसे इंग्लिश में हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। इस अध्याय को हमने 7 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित की भूमिका तथा कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, सदिश बीजगणित अर्थात वेक्टर अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशि वो राशि होती है जिन्हें हम माप या तोल सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, पहली होती है अदिश और दूसरी होती है सदिश। अदिश को इंग्लिश में हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। चलिए जानते हैं अब हम एक एक करके इन राशियों के बारे में। तो दोस्तों, एक ऐसी राशि जिसमें केवल एक मान परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड जो कि एक वास्तविक संख्या होती है सम्मिलित है, ऐसी राशियां अदिश अर्थात स्केलर्स कहलाती हैं। यानी कि वैसे क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश। आइए कुछ इसका उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि लंबाई यानी कि लेंथ, द्रव्यमान यानी कि मास, समय यानी कि टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस, गति यानी कि स्पीड, क्षेत्रफल अर्थात एरिया, आयतन अर्थात वॉल्यूम, तापमान अर्थात टेम्परेचर, कार्य, वोल्टता, घनत्व, प्रतिरोधक इत्यादि, ये सभी हैं स्केलर क्वांटिटीज अर्थात अदिश राशि। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अदिश के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी राशि की ओर, जो कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा अर्थात डायरेक्शन भी सम्मिलित है, ऐसी राशियां सदिश कहलाती हैं। यानी कि वैसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वैसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण। तो जैसे कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, बल फोर्स, भार वेट, संवेग मोमेंटम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सभी हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश। आइए इन उदाहरण को और अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस बॉल का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण है सदिश राशि का। इसी प्रकार से आपको एक और उदाहरण स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो बस है ये चल रही है, और अगर ये बस चल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कोई दिशा भी होगी और साथ के साथ इसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। तो दोस्तों, ये है उदाहरण सदिश के। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको अदिश और सदिश राशि के बारे में समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आइए अब हम ये जानते हैं कि इस अध्याय में हम और क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम सदिशों की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं जानेंगे, साथ ही हम सदिशों की विभिन्न संक्रियाएं के बारे में भी जानेंगे तथा इसके बीजीय एवं ज्यामितीय गुणधर्म के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम एक एक करके हमारे इन टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे सदिश के कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे दृष्टि रेखा के बारे में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक सरल रेखा दिख रही होगी ए बी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि तीर के निशाने की सहायता से
इस रेखा को दिशाएं प्रदान की जा सके। इन दोनों में से निश्चित दिशा वाली कोई भी एक रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि क्या एक दृष्टि रेखा खंड में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है, इसमें हम रेखा एल को रेखा खंड ए बी तक प्रतिबंधित कर देते हैं, तब यहाँ पर रेखा एल पर परिमाण निर्धारित हो जाता है, जिसे कि हमें यहाँ पर एक दृष्टि रेखा खंड प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दृष्टि रेखा खंड में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एक दृष्टि रेखा खंड सदिश होता है, जिसे सदिश ए बी अथवा साधारणवत सदिश ए के रूप में निर्दिष्ट करते हैं और इसे सदिश ए बी अथवा सदिश ए के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जब भी आपको एक दृष्टि रेखा खंड दी हुई होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो एक सदिश होगा, और अगर वो एक सदिश होगा तो उसे हम दिखाने के लिए उस रेखा खंड का नाम लिखते हैं और उसके ऊपर एक दिशा का चिन्ह बनाते हैं, जो कि बताता है कि ये एक सदिश है। अर्थात हमारी अगली बिंदु है वह बिंदु ए, जहाँ से सदिश ए बी प्रारंभ होता है, प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और वह बिंदु बी जहाँ पर सदिश ए बी समाप्त होता है, अंतिम बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर किसी सदिश का नाम आपको ए बी दिया गया है, उसका यह तात्पर्य होता है कि उस सदिश का ए जो होगा प्रारंभिक बिंदु होगा और बी उसका अंतिम बिंदु होगा। हमारी अगली बिंदु है किसी सदिश के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी सदिश का परिमाण अथवा लंबाई कहलाता है, और इसे मॉड ए बी वेक्टर अर्थात ए बी सदिश अथवा मॉड ए सदिश के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो हमारे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाता है या फिर लेंथ कहलाता है, जिसे कि हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ ए बी वेक्टर लिखकर या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख। हमारी अगली बिंदु है तीर का निशान सदिश की दिशा को निर्दिष्ट करता है, यानी कि सदिश का जो दिशा होगी वो तीर के निशान से बताई जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका कि आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप वेक्टर को अर्थात सदिश को आसानी से निरूपित कर पाएंगे और उनकी मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन आसानी से बता पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, अर्थात स्थिति सदिश के बारे में। मान लीजिए हमने स्पेस में ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट पी लिया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने स्पेस में ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट पी लिया है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तब यहाँ पर जो वेक्टर ओपी होगा, जिसका कि इनिशियल पॉइंट ओ होगा और फाइनल पॉइंट पी होगा, ओ के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर कहलाता है, जैसा कि आपको ये आकृति देखकर समझ आ रहा होगा, जिसका कि हम मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहते हैं, तो वो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी पोजिशन वेक्टर के बारे में। इसके बारे में हम और अच्छी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं डायरेक्शन कोसाइन की तरफ, यानी कि दिक कोसाइन की तरफ। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक आकृति दिख रही होगी, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया है ए एक्स वाई जेड, जिसका कि पोजीशन वेक्टर है ओ ए, जिसे हम वेक्टर ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेक्टर ए के द्वारा एक्स वाई जेड एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए एंगल्स अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं, और साथ ही इन एंगल्स का कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है वेक्टर ए का, जो कि होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो दोस्तों,
इसी तरह से जब आप एक राइट एंगल OPA में देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन a। इसी तरह से जब आप एक राइट ट्रायंगल OQA में देखेंगे तो आपको यहाँ से cos बीटा का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा y अपॉन a। इसी तरह से जब आप एक राइट ट्रायंगल ORA को देखेंगे तो यहाँ पर आपको cos गामा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगा z अपॉन a। तो दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? वेक्टर ए के द्वारा एक्स वाई जेड एक्सिस पर बन रहे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाए गए एंगल्स अल्फा बीटा डायरेक्शन एंगल कहलाता है और उन एंगल्स का कोसाइन कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये सभी सब टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हम इन पर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे फर्दर वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन और साथ ही उनके कुछ आधारभूत संकल्पनाएं यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे सदिशों के प्रकार। धन्यवाद।